समापन किया है दुर्गा पूजा, क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? हम तो पिछले 20 साल से हम माता जी का पूजा कर रहे हैं और इस बार भी किया। कोरोना के टाइम में मैं रुक गया था, 2019 तक हमने किया बहुत अच्छी तरह पूजा, लेकिन कोरोना जब आया, कोरोना के टाइम में मैं नहीं, दुनिया में सभी रुक गए थे, कर नहीं पाए। तो इस बार मुझे एक अच्छी जगह मिली और जो जुहू मिलेनियम क्लब में हम कर रहे हैं, जो नेक्स्ट टू आपका कूपर हॉस्पिटल है, वहाँ कर रहे हैं। बहुत दर्शक जो आते हैं हमारे पूजा में, उनको शायद पता नहीं, वो ढूंढेंगे कहाँ विश्वजीत दादा पूजा कर रहे हैं, तो उनके जानकारी के लिए मैंने एक्चुअली बताया। अभी ये पूजा के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं बताइए। फिल्म जगत से जुड़े हर साल लोग आते हैं, इस साल किसको इनवाइट किया, कुछ उस बारे में बताना चाहेंगे? हमारे साथ ये पहला दिन से एक शख्स जुड़ा हुआ था, है अभी भी है, वो राकेश रोशन एंड हिज फैमिली। तो वो हमारे पहला दिन जब हमने पूजा किया था 20 साल पहले, वो हमारे पूजा में ऋतिक रोशन राकेश रोशन बैठ के पूजा किया, संकल्प किया। कौन सा टाइम में? कहुना प्यार है का फर्स्ट रिकॉर्डिंग जो हुआ था, वो राकेश रोशन जा रहा था गोरेगांव में रिकॉर्डिंग में, तो यहाँ सुबह हमारे पास बैठ के पूजा किया माता जी के सामने, और उसके बाद से उसने पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं, नेवर लुक बैक। तो उन लोगों का एक आस्था है इस पूजा के साथ जुड़े हुए हैं। इवन जब वो काइट्स के फिल्म की शूटिंग में मेक्सिको में गए थे, तब भी वहाँ से मुझे कॉल किया, बोले इस बार हम नहीं आ पा रहे हैं, हम मैं और ऋतिक दोनों ही हम शूटिंग कर रहे हैं बाहर, मैंने बोला कोई बात नहीं। तो वो इस बार भी हम उसको मिस कर रहे हैं, मैंने बोला इस बार हमारा 20 साल का पूजा है, विल मिस यू। बोला हमारा पहले से शेड्यूल बन गया, कश्मीर चला गया, एंड ऋतिक यहाँ है नहीं, फॉरेन में शूटिंग कर रहे हैं। तो डेफिनेटली 20 साल का जो पूजा है, 20 साल बाद हम जो पूजा कर रहे हैं, जो 20 साल का जो सेलिब्रेशन हमारा चल रहा है, उसमें वो शामिल नहीं हो पाएगा रोशन का, लेकिन राजेश रोशन और उनकी पत्नी कांचन वालों हैं, तो उनका ये है हमारा एक मजबूत फैमिली मेम्बर जैसा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हर साल स्थापना होती है, और साथ ही ये जानना चाहूँगा कि क्या मांगते हैं आप दुर्गा माँ से इस बार, करियर को लेकर फिल्म प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ डिस्कस करना चाहेंगे? फिल्म प्रोजेक्ट तो मैं एक कर रही हूँ, पर मैं फ़िलहाल इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताना नहीं चाहूँगी, लेट्स वेट टिल द रिलीज़। पर मैं सबके लिए ही अच्छा मांगती हूँ कि सब अच्छे रहे, सबका भला हो, नए नए हीरो हीरोइंस आए, हमारे इंडस्ट्री में टैलेंट्स आए, बस। धर्म जी आ रहे हैं पर्दे पे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, आपको ऐसा कोई अभी भी एक्टिंग को लेकर पैशन नहीं है कि आपको कोई ऑफर मिले, आप कुछ करना चाहें? नहीं, मेरा क्या है, मैं अभी क्या मेकिंग में मैं बहुत ध्यान दूँ, फिल्म में हम छोटा मोटा रोल करने का आया थे मेरे पास, कोई पीर बाबा कोई फकीर बाबा के लिए किसी चैनल से, मैं आप मुझे दाढ़ी से ढक देंगे, दाढ़ियाँ लंबे लंबे बाल देंगे, आप मुझे फकीर बनाएंगे, तो लोग तो विश्वजीत को पहचानेगा नहीं, आपको मुझे लेके फ़ायदा क्या? तो इसलिए जम नहीं रहा, अगर कोई वैसे कोई हटके कोई रोल लेके आए, डेफिनेटली मैं एक्टिंग तो मेरा फर्स्ट पैशन है, डेफिनेटली करूँगा, लेकिन अपना प्रोजेक्ट में मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ और इतना कठिन सब्जेक्ट मैं बना रहा हूँ, है ना, इट्स ए हिस्ट्री, इट्स ए रिसर्च वर्क, और मैं सालों से करते आया हूँ, तो वो हमने कम्प्लीट कर लिया। राष्ट्रीय जनता को आज के दौर में कितना ज़्यादा डिफरेंस, जब आपने करियर शुरुआत की थी सालों पहले, माहौल कितना बदला है, बेहतर हुआ टेक्नोलॉजी के हिसाब से, या किस तरह से देखते हैं आज का दौर? टेक्नोलॉजी तो आई फील प्राउड ऑफ माय इंडस्ट्री, आज हमारा इंडस्ट्री जाके हॉलीवुड का मुकाबला कर रहा है टेक्निकली, जहाँ चला गया आज, कमाल है, मतलब रियली हैट्स ऑफ टू माई फेलो टेक्नीशियंस, माई फेलो एक्टर्स, माई राइटर्स, आर्ट डायरेक्टर्स, एवरीबॉडी, वो कमाल का काम कर रहे हैं, और भी आगे बढ़ेंगे। तो आज हॉलीवुड को भी सोचना पड़ रहा है कि हम उनको भी ऑस्कर में भी एंट्री मिल रही है आज, तो ये जो है आज बॉलीवुड काफ़ी आगे निकल चुका है।
बीच में एक दौर आया था, ऐसा लगता था कि बॉलीवुड फिल्म बनाना जानते नहीं, ओनली साउथ वाले जानते, इट्स नॉट दैट। वो प्रूव कर दिया, जवान, पठान, एक के बाद एक गदर, प्रूव कर दिया कि हम लोग भी तुम लोगों से पीछे नहीं है अर्निंग में, यू नो। तो ऑल 100, 200, 400 CR की बात है, जो हमारे लिए डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। हम लोग लाखों के ज़माने के हैं, समझे आप, हम जो है। लेकिन आज जो हम सुनते हैं, देखते हैं, हमें खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। मुझे गर्व अनुभव होता है, आई फील प्राउड। इस इंडस्ट्री से एक हिस्सा मैं भी हूँ इस इंडस्ट्री का।